नमस्कार दोस्तों, बिहार शो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 2 BHK फ्लैट इन DDA। 72 गज के अंदर बिल्डिंग होने वाली है, 72 गज के साथ 60 फीट चौड़े रोड के ऊपर और एक फ्लोर के ऊपर सिर्फ एक यूनिट। हाँ जी, कार पार्किंग लिफ्ट के साथ सब कुछ मिलेगा। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग साउथ फेसिंग आपको बालकनी मिलेगी। गाइस, ये होने वाला है हमारा वो रोड जिसके बारे में मैंने आपको बताया। 60 फीट चौड़ा रोड रहेगा हमारा। हल्का सा आप ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे ग्लोबल प्रतिभा स्कूल एकदम यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये जो सामने का आप लैंड देख रहे हैं, ये हमेशा आपको खाली मिलने वाला है। रीज़न बीइंग, ये स्कूल का लैंड है और ये साउथ फेसिंग बालकनी है, तो 12 के 12 महीने आपको धूप मिलेगी। कभी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि सामने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगी और आपकी धूप ब्लॉक हो जाएगी। 60 फीट चौड़े रोड के साथ इतनी अच्छी लोकेशन के ऊपर आपको ये फ्लैट मिलने वाला है, जो कि DDA का फ्लैट है। मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ, सरकारी बिजली गैस पाइप एवरीथिंग इज देयर। अगर आपके पास भी सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है, नई है, पुरानी है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, जिसको आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, डू कॉन्टैक्ट अस नीचे दिए गए नंबर के ऊपर, ताकि हम जल्द से जल्द उस प्रॉपर्टी को बिकवा सकें या रेंट पे चढ़वा सकें। और आप अब सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए, उसके बाद फिर दोबारा आप लोगों से मिलता हूँ और इस प्रॉपर्टी का बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा वॉक थ्रू देता हूँ और सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको। एंजॉय द सिनेमैटिक्स। सो गाइस, जैसे हम ऊपर आएंगे, 3.5 फीट चौड़ा आपको जीना मिलेगा, ग्रेनाइट का मार्बल लगा हुआ मिलेगा। हल्का सा आगे आएंगे, लिफ्ट लॉबी रहेगी हमारी। लिफ्ट के साथ ही हमारा एंट्रेंस रहेगा, मेन एंट्रेंस के अंदर हम जिक एंटर कर जाएंगे और दिस विल बी आर लिविंग हॉल अलॉन्ग विद ओपन किचन। सबसे पहले एंटर कर चुके हैं फ्लैट में, फ्लोर में। ओरिएंटेशन बताने लायक कुछ था नहीं क्योंकि सिंगल यूनिट फ्लैट था। सो जैसे ही हम इस गेट से एंट्री करेंगे, मैंने आपको दिखाया कितना बढ़िया गेट मिल रहा है आपको, जो कि वुडन डोर है मोटाइज लॉक के साथ। यहीं पर आपको मिलेगा इंटरकॉम लगा हुआ, राइट। इंटरकॉम के साथ ये हमारा लिविंग हॉल है। लिविंग हॉल 12x12 के साइज में रहने वाला है और राइट हैंड साइड में आपको एक बेडरूम मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक बेडरूम मिलेगा, जो मैंने आपको उल्टा बताया, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दोनों के अंदर अटैच वॉशरूम मिलने वाले हैं, एक किचन आपको मिलेगा। इस तरीके से हमारा फ्लोर का लेआउट रहेगा, बहुत अमेजिंग लेआउट है, जो कि 12x12 का लिविंग हॉल, अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज के अंदर आपको बेडरूम्स मिलेंगे दोनों। हल्का सा ऊपर चले जाएंगे हम लिविंग हॉल के अंदर और सिंपल लाइट कलर से पेंटेड हमारा फॉल सीलिंग का डिजाइन मिलेगा, जिसके अंदर कंसील लाइट, कूल लाइट और फैन प्री इंस्टॉल्ड है। उसके बाद इस वाली वॉल पे आ जाएंगे, जो कि हमारा मास्टर और एक्शन वॉल है, एकदम लाइट कलर से पेंटेड मिलेगा, सॉरी डार्क कलर से शेड के अंदर आपको वॉलपेपर लगा हुआ मिलेगा। और इसको एडजस्टेंट जो आपको वॉल्स मिलेंगी वो काफ़ी लाइट कलर से पेंटेड मिलेंगी, जो कि इसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। ऑन द कॉन्ट्रारी, जो दूसरी वाली साइड के ऑपोजिट वॉल पे आप देखेंगे, आपको मिलेगा एक बहुत ही प्यारा सा, छोटा सा, स्टडी सा, मजबूत सा TV पैनल, जिसके अंदर 2 स्टोरेज भी मिल रही हैं आपको। गाइस, उसी के बाद नीचे आपको अच्छा खासा फ्लोर साइज मिल जाएगा और राइट हैंड साइड के अंदर हमारा किचन मिल जाएगा। 8x8 के साइज के अंदर किचन मिलेगा आपको, ग्रेनाइट का मार्बल लगा हुआ है, मॉड्यूलर किचन है, एम्पल स्टोरेज मिलेगा आपको, स्टोरेज में कोई कमी नहीं मिलने वाली है। एम्पल स्टोरेज के साथ आपको चिमनी प्री इंस्टॉल्ड है और ऊपर भी स्टोरेज मिल रहा है, नीचे भी स्टोरेज मिल रहा है। व्हाट एल्स कैन यू आस्क फॉर, यहाँ पे आप अपना रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं और एल्स यहाँ पे भी रख सकते हैं अगर छोटा है तो। 2 ऑप्शंस आपके पास रेफ्रिजरेटर रखने के हैं, एग्जॉस्ट, टैप्स एंड एवरीथिंग प्री इंस्टॉल्ड आपको लग के मिल रहा है। इसी के साथ आपको पीछे गीजर भी लगा हुआ मिलेगा, माइट बी पॉसिबल किचन का, मैं आपको अभी दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन वेंटिलेशन देखिए किचन को कितना प्यारा और कितना अच्छे से मिल रहा है। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट, जो यूजली देखने को नहीं मिलता है। अटैच आपको वॉशरूम मिलेगा, यहाँ से नहीं खुल रहा है, लेकिन अभी दूसरी साइड से मैं आपको खोल के दिखाऊंगा वंस वी आर इन
बेडरूम। हाँ जी, अपने फर्स्ट बेडरूम की ओर चलते हैं, वहीं से मैं आपको वॉशरूम भी दिखा दूंगा कैसा होने वाला है। सो गाइस, सिमिलर तरीके का डोर मिलेगा आपको, जो हमारा मेन एंट्री पे डोर था। थ्रू आउट दी फ्लैट आपको सेम डोर मिलने वाला है। अंदर एंट्री कर जाएंगे, 12x12 का रूम मिलेगा और इतना बढ़िया स्टोरेज, माफी चाहूंगा 12x12 नहीं, 12x10 का रूम मिलेगा। हाँ जी, 12x10 के साइज के अंदर आपको ये रूम मिल रहा है, ना कि 12x12। सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कितना प्यारा आपको स्टोरेज मिल रहा है, यू शेप स्टोरेज मिल रहा है, जिसके बीच में आपका बेड आ जाएगा। उसी के बाद एम्पल स्पेस आपको रूम अराउंड करने के लिए मिलेगा दोनों साइड। लाइट कलर से पेंटेड वॉल्स हैं, फॉल सीलिंग का डिजाइन सेम जो हमारा लिविंग हॉल के अंदर था। कंसील लाइट कोर लाइट और फैन प्री इंस्टॉल मिलेगी। यहाँ से हल्का सा आगे आ जाएंगे और हमारे वॉशरूम के अंदर चलेंगे, जो कि कॉमन कम अटैच वॉशरूम रहने वाला है। हाँ जी, कॉमन कम अटैच वॉशरूम रहेगा, 5 फीट चौड़ा है, 6 फीट लंबा है, 6x5 के साइज के अंदर आपको वॉशरूम मिल रहा है। पॉट एरिया डेडिकेटेड एंड सेपरेट, हैंड वॉश एरिया एकदम सेपरेट है। जैक्वार में बेथ फिटिंग्स मिल रही हैं आपको, जैक्वार डू मार्केट जैक्वार के अंदर आपको पूरे का पूरा बेथिंग जोन मिल रहा है। उसी के साथ गीजर प्री इंस्टॉल्ड, वेंटिलेशन के लिए हमारे पास एग्जॉस्ट प्री इंस्टॉल्ड है, जो कि शार्क से इंटरलिंक्ड है। हल्का सा आप अंदर आएंगे और देखेंगे यहाँ पे दूसरा डोर है जो कि कनेक्टेड रहने वाला है। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग, जब मैंने आपको बताया था कि कॉमन वॉशरूम मिलने वाला है। साइज आपने देखा बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है, एवरीथिंग इज परफेक्ट हियर। उसी के साथ जो इस बेडरूम के अंदर आपको एक और चीज मिलेगी, दैट इज दिस अटैच आपको शाफ्ट एरिया मिलेगा, जहाँ पे आप स्टोरेज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं इसे। ओपन एरिया है, वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा बना रहेगा आपका, और गीजर मैंने आपको बताया था प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। देखा, मैं झूठ नहीं बोलता सो ये वाला गीजर भी आपको प्री इंस्टॉल मिल रहा है। दोनों वॉशरूम्स के अंदर भी गीजर प्री इंस्टॉल मिलेगा, एक में आप देख चुके हैं, एक में अब हम देखने जा रहे हैं। यहाँ से आगे आएंगे और यहाँ एंटर कर जाएंगे, अक्रॉस द हॉल हमारा सेकंड बेडरूम मिलने वाला है। 6x6 का बेड लगाने के बाद भी 2x2 का स्पेस आपको रूम अराउंड करने के लिए मिलेगा। 10x12 के साइज में आपको रूम मिल जाएगा। व्हाट एल्स डू यू वांट, नहीं बहुत कुछ चाहिए होता है, खैर ये सब नहीं होता है ना। ऊपर जाएंगे और देखेंगे लाइट कलर से पेंटेड आपका फॉल सीलिंग डिजाइन, विच इज वेरी सिमिलर टू द ड्राइंग रूम एंड वेरी फर्स्ट बेडरूम। आपको कंसील लाइट कोव लाइट प्री इंस्टॉल्ड है, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। लाइट कलर से पेंटेड वॉल्स है हमारी। अगेन वेंटिलेशन के लिए ये 24/7 खुला नहीं रहने वाला है, फिलहाल अभी खुला है। यहाँ पे आपका स्लाइडर डोर लग जाएगा एंड इट विल बी कवर्ड, और बालकनी आपको अटैच मिलेगी। बालकनी का स्पेस आप देख सकते हैं, इट इज़ क्वाइट अमेजिंग। साइज की अगर मैं बात करता हूँ, 10 फीट बाय 3 फीट, 30 फीट का सिर्फ और सिर्फ बालकनी स्पेस मिल रहा है। बालकनी से बहुत अमेजिंग ग्रीन व्यू मिलेगा, साउथ फेसिंग बालकनी रहेगी। स्टार्टिंग में भी आपको बताया था 12 के 12 महीने धूप रहेगी, और रोड जिस हवा लुक दोबारे, इट इज एफिंग 60 फीट। हाँ जी, 60 फीट चौड़े रोड के ऊपर आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। सो रूम दिखा दिया, बालकनी दिखा दी, बट लास्ट पार्ट इज और वॉशरूम। वॉशरूम का डोर तक मैंने आपको बोला था कि सेम वही वाले डिजाइन में रहने वाला है, एकदम सेम है। जैक्वार बेथिंग जोन पूरा सेपरेट एंड डेडिकेटेड, हैंड वॉश सेपरेट, बिहाइंड द डोर आपको मिलेगा आपका पॉट एरिया। साइज की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत अमेजिंग साइज के अंदर यह बिल्टअप है। पॉट एरिया एकदम सेपरेट एंड डेडिकेटेड है। ऊपर आपको गीजर यहाँ पे भी प्री इंस्टॉल मिल रहा है, और वेंटिलेशन के लिए 10 एग्जॉस्ट प्री इंस्टॉल्ड, छोटी सी लाइट प्री इंस्टॉल्ड, एवरीथिंग इज देयर। सो इसको कहते हैं बहुत अच्छे साइज के अंदर एक प्यारा सा 2BHK और बहुत अमेजिंग प्राइस के ऊपर। प्राइसिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन को रेफर कर सकते हैं एंड यू कैन फॉलो द डिस्क्रिप्शन, जिस भी तरीके से वहाँ पे प्राइस बताया गया आपको पता लग जाएगा। सो गाइस, ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी, हालांकि बहुत पसंद आई होगी आपको ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। आई कैन नॉट बी सो श्योर, रीजन बींग बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर है, द्वारका Sector 8A Block के अंदर। सारी अमेनिटीज लिस्ट मिलने वाली हैं आपको यहाँ पे, एवरीथिंग इज देयर, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली है। अगर इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अभी भी आपका कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया है, ऊपर लिखा हुआ प्रॉपर्टी को नोट डाउन करके नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करें, ताकि जल्द से जल्द इस प्रॉपर्टी को आप बुक करा सकें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया ठड़ा।